हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स एक्सपेंशन ऑफ वाटर. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. एनिमल्स एक्सपेंशन ऑफ वाटर. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये एनिमल्स एक्सपेंशन है क्या और इसको एनिमल्स एक्सपेंशन ही क्यों कहते हैं. तो वाटर के अंदर हमने ऑब्जर्व किया कि वाटर जो है एक बड़ा ही पेकुलियर बिहेवियर दिखाता है. पेकुलियर का मतलब होता है विचित्र, अजीब सा. ठीक है, पेकुलियर बिहेवियर कैसा होता है? अगर जनरली आप ऑब्जर्व करें तो अगर आप देखें कि जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं, उन रेलवे ट्रैक्स में हमेशा गैप छोड़ देते हैं बीच में. और ये आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये गैप क्यों छोड़ा जाता है. तो वो इसलिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी चीज़ से हीट को निकालते हैं, यानी कि जब भी कोई चीज़ ठंडी होती है तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है. क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाने लगती है, छोटी होने लगती है. कब? जब हम उसके अंदर से हीट एनर्जी को बाहर निकालते हैं. अगर हम हीट एनर्जी को इंट्रोड्यूस करें, यानी कि उसके अंदर और हीट एनर्जी बढ़ाएं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी चीज़ अपने अंदर एक्सपेंशन शो करती है. जनरली सभी नहीं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स. ज़्यादातर चीज़ों में क्या होता है, हीट एनर्जी के मिलने पर वो खुद को एक्सपेंड कर लेती हैं, हीट एनर्जी के निकलने पर वो खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं. तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली होता क्यों है? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इसलिए होता है कि हीट एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में दूर होने लगते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. और जब मॉलिक्यूल दूर दूर होने लगते हैं तो उनको रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है, और उस ज़्यादा जगह के लिए वो मटेरियल के बीच की जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस है उसको बढ़ा देते हैं, और उस स्पेस के बढ़ने की वजह से वो मटेरियल एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम एक्सपेंशन जानते हैं. यानी किसी भी चीज़ का उसके साइज से बढ़ जाना एक्सपेंशन कहलाता है. चलिए, तो हमने क्या देखा कि रेलवे ट्रैक्स में ये गैप जो है हम छोड़ देते हैं, किस लिए? कि जब समर होगा, गर्मियां होंगी, तब ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक अपने अंदर क्या दिखाएगी? एक्सपेंशन. ये एक्सपेंशन दिखाएगी, तो एक्सपेंशन होने की वजह से ये बढ़कर यहां तक आ जाएगी और ये बढ़कर यहां तक आ जाएगी. यानी कि दोनों टूटेंगी नहीं या टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी. और जब सर्दियां होंगी तब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, यानी कि छोटी हो जाएंगी, तब भी इसमें कोई सैग नहीं आएगा. लेकिन अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होती इस तरह और हम इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ते, तो क्या होता? जब ये एक्सपेंड करती तो जगह तो थी नहीं एक्सपेंड करने के लिए, और ये स्ट्रक्चर या तो ऐसा हो जाता या ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता. ठीक है, हमने वायर्स में देखा है कि जब भी वायर्स जो हैं टावर्स पर माउंट किए जाते हैं तो हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं कि उनके अंदर सैग रखा जाता है इस तरीके से. इस सैग की क्या ज़रूरत है? हम ये वायरिंग बिल्कुल स्ट्रेट भी तो कर सकते थे इस तरीके से, लेकिन हम ये वायरिंग स्ट्रेट तो नहीं करते हैं, हम इस वायरिंग में थोड़ा सा इस तरीके से लटका कर रखते हैं वायर को. किस लिए? ताकि जब समर होंगे तो समर्स में ये सैग बढ़ जाएगा, लेकिन जब विंटर होंगे तो ये वायर कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा. अगर ये वायर इतना स्ट्रेट है तो ये खुद को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा, टूट जाएगा ये. ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को, यानी कि ये फिनोमेना क्या है, हम ऑब्जर्व करते हैं डे टू डे लाइफ में. इसीलिए हम ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ऑब्जर्व होता है. इस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को ओबे करना चाहिए वाटर को भी. वाटर भी इसे ओबे करता है. हीट एनर्जी मिलने पर वाटर भी खुद को एक्सपेंड करता है, और हीट एनर्जी निकलने पर वो भी खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है. लेकिन एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है, खुद को एक्सपेंड करता है, लेकिन एक ऐसा पार्टिकुलर टेम्परेचर आता है 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री सेल्सियस पर वो नियम को बदल देता है, यानी कि उसको एक्सपेंड होना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, एक्सपेंड होने लगता है. तो जरा देखते हैं ये किस तरीके से 4 डिग्री पर होता है. और इसी एक्सपेंशन को, ये जो एक्सपेंशन है 4 से,
जीरो तक जाने में जो एक्सपेंशन होता है, इसी एक्सपेंशन को हम एनामलस एक्सपेंशन कहते हैं। और एनामलस एक्सपेंशन जो है ये पिक्यूलियर क्यों है, ये अजीब किस लिए है, ये अजीब इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो क्या है, हीट एनर्जी के निकलने पर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी कि आप टेम्परेचर घटाते जाओगे ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा छोटा होता जाएगा। लेकिन वाटर में उल्टा है, आपने हीट एनर्जी को निकाल रहे हैं और वाटर फैलता जा रहा है, अपनी वॉल्यूम को पर सेंटीमीटर क्यूब में बढ़ा रहा है, यानी कि एक्सपेंशन दिखा रहा है। तो ये चीज जो हम ऑब्जर्व करते हैं वाटर के अंदर, ये थोड़ी सी अलग होती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द पेकुलियर बिहेवियर ऑफ द वाटर। इन साइंटिफिक लैंग्वेज इट इज नोन एज द एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। द एक्सपेंशन ऑफ वाटर फ्रॉम रीचिंग फ्रॉम 4 degrees टू 0 degrees सेल्सियस, एंड दिस एक्सपेंशन इज कंसिडर एज द एनामलस एक्सपेंशन। ऑब्जर्व करते हैं कैसे ये होता है। अगर ये एक वाटर से भरा हुआ बाउल है, या आप टम्बलर या ग्लास जो भी आप बोलना चाहें, तो हम ज्यादा की बजाय इसमें सिर्फ पता लगा हम एक ड्रॉप रखते हैं। ओके, अगर वाटर में एनामलस एक्सपेंशन नहीं होता, वो 0 degrees तक पहुंचने पर खुद की वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं करता, तो आइस पानी पर नहीं तैरती। आइस क्या है? पानी में डूब जाती। लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि आइस जो है पानी में तैरती है। अब मान लीजिए ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है। ओके, ये वाटर का मॉलिक्यूल 10 degrees सेल्सियस पर है। कितने डिग्री सेल्सियस पर है? 10 degrees सेल्सियस पर। हमने इससे हीट को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, यानी कि हमने हीट को निकालना स्टार्ट किया। जब हमने हीट को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, तो इसके अंदर से हीट एनर्जी बाहर निकलने लगी। हीट एनर्जी बाहर निकलने लगी तो इस ड्रॉप की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? हम हीट एनर्जी निकाल रहे हैं तो इसको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या एक्सपेंड होना चाहिए? हमने क्या ऑब्जर्व किया है, जनरली सभी जो ऑब्जेक्ट हैं उनमें क्या होता है, हीट के निकालने पर ऑब्जेक्ट खुद के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। क्या शो करता है? कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वो खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये जो मॉलिक्यूल है ये भी खुद को क्या करना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो एक्चुअल में ऐसा होगा या नहीं होगा? देखिए, जब तक ये हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमने ये किया कि जब ये 10 degrees था, एक्चुअल स्टेट में था, 9 degrees हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 8 degrees पर आए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 7 पर आए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर हम 6 पर आए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 9, 8, 7, 6, 5 पर आए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 4 पर आए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये एक्सपेंड हुआ। क्या होना चाहिए था? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था। लेकिन पता है हमने ऑब्जर्व क्या किया? हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम 4 से 3 पर पहुंचे टेम्परेचर में, तो ये एक्सपेंड हो गया। ये ड्रॉप क्या हो गई? इसने खुद को बड़ा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक्चुअल में ये 10 पर जैसी थी वैसी ही 9 पर थी, 8 पर भी वैसी थी, 7 पर भी वैसी थी, 6 पर भी वैसी थी, 5 पर ही वैसी थी, कोई चेंज नहीं हो रहा था जनरली अगर आप देखें तो। लेकिन मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट होता है टेम्परेचर बढ़ने में, तो इसमें भी हो रहा होगा। लेकिन 4 degrees के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो 4 के बाद भी क्या होना चाहिए था? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था। लेकिन वहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वहां एक्सपेंशन होगा। ये खुद को क्या कर लेगी? ड्रॉप बड़ा कर लेगी। ठीक है, अब ये ड्रॉप जब हम 2 पर आए, 2 degrees सेल्सियस, तो इसने खुद को और बड़ा कर लिया। जब हम 1 degrees सेल्सियस पर पहुंचे, तो इसने खुद को और बड़ा कर लिया, और 0 degrees सेल्सियस पर इसने भी खुद को बड़ा किया। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम 4 degrees से नीचे जा रहे हैं, तो जर्नली जितनी भी चीजें नेचर में हमने देखी हैं, जर्नली सभी नहीं, कुछ चीजें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या हमें ऑब्जर्वेशन देती हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स में ऐसा होता है कि जब टेम्परेचर कम होने लगता है, तो वो चीजें खुद को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। लेकिन वाटर ने क्या किया? वाटर ने उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की बजाय एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। खुद को बड़ा करने लगा, वो आकार में एक्सपेंशन दिखाने लगा, और खुद यहां पर आकर कैसा बन गया? सॉलिड।
जीरो पर आकर कैसा बन गया, सॉलिड। खुद को जीरो पर सॉलिड बनाने के बाद जब हमने ऑब्जर्व किया तो वही जो वाटर था उसी वाटर की डेंसिटी, अगर आप देखिए, हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, अगर उसने वॉल्यूम को बढ़ाया है तो डेंसिटी क्या हुई होगी, डिक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम क्या हुई है, इंक्रीज। तो डेंसिटी कम हो गई उसी वाटर के मॉलिक्यूल की। अब हमने इसी मॉलिक्यूल को लिया और हमने इसको एक वाटर वाले टम्बलर में डाल दिया, तो एक्चुअल में इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे और हमारा ये वाला जो मॉलिक्यूल है, जब हमने इसको डाला इसमें तो कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, ये इसमें मिंगल हो जाना चाहिए था या नीचे आकर सेटल हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कहां रहेगा, ये ऊपर रहेगी, ये आइस। किस लिए ऊपर रहेगी, क्योंकि एक्चुअल में इस आइस की जो डेंसिटी है वो कम है वाटर के उन मॉलिक्यूल से जो जीरो डिग्री पर नहीं है, ठीक है। वैसे ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर जो हम लेते हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो आइस क्या करेगी, फ्लोट करेगी, जबकि सॉलिड वाटर हम देखते हैं कि लिक्विड वाटर के ऊपर वो क्या करता है, फ्लोट करता है। तो दिस इज ड्यू टू द एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये फिनोमेना हम क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि वाटर के अंदर एनामलस एक्सपेंशन हम ऑब्जर्व करते हैं। तो हमने जाना कि ये जो आइस बन गया है वाटर, वो वाटर के ऊपर ही रहेगा, ये वाटर में नीचे जाकर सिंक नहीं होगा। और रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब आइस ने अपना टेम्परेचर 4 पर आने के बाद कम करना स्टार्ट किया तो उसने खुद का, सॉरी आइस नहीं था, वाटर था वो उस टाइम, उस वाटर ने 4 से जब नीचे आना स्टार्ट किया टेम्परेचर में, टेम्परेचर जब कम होने लगा तो हीट एनर्जी जब उससे बाहर आने लगी तो उसने अपना एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया। और जनरली डे टू डे लाइफ में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या करती हैं, जब उनसे हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि उनका टेम्परेचर जब कम किया जाता है तो वो खुद को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। वाटर ने भी ऐसा ही किया, लेकिन 4 डिग्री के बाद उसने पिकुलियर बिहेवियर दिखाया, यानी कि विचित्र, कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय वो एक्सपेंड होने लगा। एक्सपेंड होने लगा तो वॉल्यूम बढ़ने लगा, वी बढ़ने लगा तो डेंसिटी घटने लगी, डेंसिटी घटने लगी, इसीलिए आइस क्या होती है, वाटर पर हमेशा फ्लोट करती है। तो ये एक क्वेश्चन भी बनता है फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कि आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है, जबकि वो खुद जो है वाटर से ही बनी हुई होती है। दैट मीन्स वाटर इन सॉलिड फॉर्म ऑलवेज फ्लोट्स ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर, वाई, द रीजन इज दिस, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स ऑफ आइस is always less than the density of water at the normal temperature, normal room temperature, जो 20 degree के आसपास होता है। तो हमने ये observe किया कि water का anomalous expansion क्या है, water का anomalous expansion है water का अपनी volume में increase कर लेना 4 degree से 0 degree तक आने में, जबकि 4 से 0 तक जब आ रहे हैं तो temperature क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हीट क्या हो रही है, एक्सट्रैक्ट हो रही है, यानी कि हीट को हम बाहर निकाल रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट में होना क्या चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए, लेकिन वाटर में क्या होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट में होना क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि हीट बाहर निकल रही है, लेकिन वाटर में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। ये एक्सपेंशन क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए और हो रहा है एक्सपेंशन, इसीलिए इसको कहते हैं एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब इस एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर को अगर हमें ग्राफिकल दिखाना है, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस पर हमें शो करना है कि इसके ग्राफ कैसे बनेंगे, तो हम दो एक्सिस लेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और उन दोनों पर ग्राफ का फॉर्मेशन, एक हमने एक्स एक्सिस ली और एक हमने वाई एक्सिस, इन दोनों जो एक्सिस हैं, एक एक्सिस पर हम टेम्परेचर रखेंगे और दूसरी एक्सिस पर हम वॉल्यूम रखेंगे। हम सभी जानते हैं 0,0 कोऑर्डिनेट यहां से स्टार्ट होते हैं और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है यहां पर टेम्परेचर 0 रहेगा और वॉल्यूम भी कैसी होगी,
वॉल्यूम भी मिनिमम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मिनिमम। अब मिनिमम होने का कारण क्या है? वाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट है यानी कि जो नंबर वाई पर आता है वो भी जीरो के साथ कम से कम होना चाहिए। जब यहां पर वन बढ़ेगा तो वाई पर भी कुछ बढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम ग्राफ देखते हैं आइस का वॉल्यूम के कंपैरिजन, तो वो ग्राफ ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए टेम्परेचर जीरो था, वन हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ और ये फोर फाइव सिक्स सेवन। जीरो डिग्री पर वॉल्यूम कैसा होना चाहिए था? कम से कम। लेकिन हम क्या देखते हैं कि रीडिंग वाई पर ये वाली मिलेगी, ठीक है। तो हम जानते हैं अगर यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रखें तो इस वाले वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैसी होगी? वाई एक्सिस पर बड़ी होगी। और हम क्या देखते हैं कि जी वाटर जो है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोऑर्डिनेट टेम्परेचर 10 था, तो इस 10 टेम्परेचर पर वॉल्यूम भी कैसा होना चाहिए? ज़्यादा। अब यहाँ पर आइए 8 पर, ये वॉल्यूम है। अगर हम 7 पर जाएं तो वॉल्यूम कैसा है? ये है। अगर हम 4 पर जाएं तो वॉल्यूम कैसा है? 4 पर वाई एक्सिस पर यानी कि जहां हम वॉल्यूम बता रहे हैं वहां वैल्यू सबसे कम आएगी। कब? जब यहां टेम्परेचर क्या है? 4। अब देखिए 4 से नीचे जाने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए यानी कि वॉल्यूम और कम होनी चाहिए। कम होती जा रही है ना, जैसे जैसे हम यहां से जा रहे हैं देखिए वाई कोऑर्डिनेट कम होता जाएगा यहां पर। लेकिन वो क्या करना स्टार्ट कर देता है? बढ़ना। जब यहां पर 3 पर आए तो वॉल्यूम यहां कहीं दिखाएगा, 2 पर आए वॉल्यूम यहां कहीं दिखाएगा, 0 पर आए वॉल्यूम यहां दिखाएगा। दैट मीन्स देर इज अ इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 4 टू 0 डिग्री। वाटर की वॉल्यूम में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। होना क्या चाहिए था? डिक्रीज। दिस इज द एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो ग्राफ जो बनेगा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर यही ग्राफ हमें बनाना था किस में? डेंसिटी। यही ग्राफ अगर हमारा होता डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में, तो 4 डिग्री पर डेंसिटी, 4 डिग्री पर वॉल्यूम मिनिमम होगी। वॉल्यूम कैसी होगी? मिनिमम होगी, क्योंकि 4 डिग्री के बाद वो खुद को बढ़ाना स्टार्ट करेगा। अगर हम हायर टेम्परेचर टू लोअर जा रहे हैं तो वो वॉल्यूम क्या होगी? 4 पर मैक्सिमम, और उसके बाद वो खुद को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो अगर 4 डिग्री पर वॉल्यूम मिनिमम है, अगर हम हायर टू लोअर आ रहे हैं, तो डेंसिटी कैसे होनी चाहिए? इस रिलेशन को देखिए आप, वॉल्यूम मिनिमम है तो डेंसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। क्योंकि डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो ये ऐसे बनेगा। यहां पर हम क्या दिखाएंगे? मैक्सिमम डेंसिटी और ये 4 डिग्री टेम्परेचर। तो डेंसिटी ग्राफ आई थिंक अब क्लियर हो गया है। तो डेंसिटी ग्राफ ऐसा बनेगा, और अगर यही ग्राफ किसका होता? वॉल्यूम का, तो ये ऐसे बनता। ये आपको याद रखना है। इस एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर से फायदा क्या है? फायदा ये है कि नेचर ने जो एक्वाटिक लाइफ है उसको जिंदा रखता है नेचर। जीरो डिग्री से टेम्परेचर जीरो डिग्री पर पहुंचने पर नेचुरल जो एक्वाटिक लाइफ है वो जिंदा रहती है। कैसे? देखिए ये एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड में एक्वाटिक लाइफ है यानी कि फिशेज हैं। और भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं। अब क्या होगा? अब ये होगा कि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा था, अब मान लीजिए कोल्ड सीजन है तो ये टेम्परेचर कम होने लगेगा। कम होते होते 10 था, 9 था, 7 था, 6 था, 4 था। देखिए जब 4 डिग्री पर ये टेम्परेचर आ गया तो सभी मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी देने लगे। अब अगर आप देखें, मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जब 4 डिग्री पर आया तो 10 से जब 4 आ रहे हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज?
डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज। एनमलस एक्सपेंशन क्या कहता है कि फोर से जब जीरो जाएंगे तो डेंसिटी, क्योंकि क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम, तो डेंसिटी कम होगी या ज्यादा। 4 to 0 आ रहे हैं, वाटर क्या करना स्टार्ट करेगा, एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा, यानी कि जब हम 4 पर आए तो बाकी मॉलिक्यूल, इस पूरे पॉन्ड का टेम्परेचर कितना हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर हम जानते हैं, वाटर के अंदर क्या होता है, कन्वेक्शन होता है, कंडक्शन नहीं होता। कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल हीट एनर्जी लेता है और अपनी जगह को छोड़कर चला जाता है, या हीट एनर्जी देता है और अपनी जगह को छोड़ देता है, दूसरी जगह चला जाता है। 4 डिग्री आने पर ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल खुद को क्या करेगा, 3 डिग्री होते ही एक्सपेंड कर देगा। एक्सपेंड करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ये हल्का हो जाएगा बाकी वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उनसे। तो अब ये नीचे नहीं जाएगा, ये कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। इस वाले मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसा ही होगा, इस वाले मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसा ही होगा, इस वाले मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसा ही होगा, और इस वाले मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसा ही होगा। 2 डिग्री होते ही ये वाला मॉलिक्यूल खुद को और एक्सपेंड कर लेगा और डेंसिटी फिर क्या हो जाएगी, और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, और हल्का हो जाएगा, अब तो बिल्कुल ही नीचे नहीं जाएगा। सेम विद दिस एंड सेम विद दिस मॉलिक्यूल। 1 डिग्री होने पर भी यही होगा और 0 डिग्री होने पर ये खुद को सॉलिड बना लेगा, और ये सभी मॉलिक्यूल खुद को कैसा बना लेंगे, सॉलिड। और जो अंदर वाले जो मॉलिक्यूल हैं वाटर के, वो सब कितने पर थे, 4 डिग्री सेल्सियस पर थे, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है, पुअर, किसका, हीट का। तो वाटर जो 4 डिग्री पर था उससे हीट बाहर नहीं जाएगी और ये वाटर वाटर ही बना रहेगा, जबकि इसके ऊपर वाले सरफेस पर क्या होगी, आइस होगी। तो हम देखते हैं कि एक्वाटिक लाइफ आराम से वाटर में रहती है जबकि उसके ऊपर क्या जमी हुई होती है, आइस जमी हुई होती है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि ड्यू टू द एनिमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एक्वाटिक लाइफ जब सीवियर कोल्ड होता है तो वो आराम से 4 डिग्री पर रह पाती हैं और बाकी जो ऊपर के सरफेसेस हैं वहां पर आइस जमना स्टार्ट हो जाती है। तो बर्फ जो है ना वो हमेशा ऊपर से जमना स्टार्ट होती है, नीचे से नहीं, एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। तो एक्वाटिक लाइफ नीचे चली जाती है और वहां पर वो आराम से अपना कोल्ड सीजन रहती है, और जबकि अगर आइस नीचे से जमना स्टार्ट होती तो एक्वाटिक लाइफ खत्म हो जाया करती और उनका सर्वाइवल बड़ा ही मुश्किल होता। हर चीज़ के नुकसान और फायदे होते हैं, लेकिन इससे एक डे टू डे लाइफ में एक नुकसान होता है, वो ये है, बस्टिंग ऑफ पाइप। ये बस्टिंग ऑफ पाइप क्या है, देखिए, अगर ये एक पाइप है और इस पाइप से पानी बाहर निकलता है, जब आप इसको खोलेंगे तो ये पाइप वाटर से क्या रहता है, फुल रहता है। कोल्ड कंट्रीज में हम रहते हैं, रात को टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाएगा, ये वाटर जो है क्या करेगा, हीट एनर्जी को बाहर रिलीज करेगा, क्योंकि हायर टू लोअर टेम्परेचर क्या होगा, हीट एनर्जी जाएगी। ये खुद को भी 0 पर ले आएगा, ये खुद को 0 पर लाने से पहले 4 डिग्री सेल्सियस पर आएगा वाटर। जब ये 4 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तो जब ये 3 डिग्री सेल्सियस पर होगा तो ये खुद को क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। 2 डिग्री होने पर और ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, 1 डिग्री होने पर और एक्सपेंड करेगा, और 0 डिग्री होने पर आइस बनते बनते खुद के अंदर एक्सपेंशन शो करेगा, और जिस स्पेस में ये भरा हुआ था उस स्पेस में 0 डिग्री पर पहुंचकर बर्फ बनने के बाद ये आएगा नहीं, इसको ज़्यादा जगह चाहिए, तो ये पाइप यहां से टूट जाते हैं। और ये कोल्ड कंट्रीज में एक बड़ी जनरल सी प्रॉब्लम है जो उन लोगों को आती है। प्लांट्स के साथ भी यही होता है, जब 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाता है तो प्लांट्स की जो वेन्स होती हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम जो आप पढ़ते हैं, उनके अंदर भी वाटर कंटेंट होता है, और जब ये 0 डिग्री पर पहुँचता है तो 4 डिग्री पर टेम्परेचर गिरने के बाद इनके अंदर भी
वाटर जब आइस में कन्वर्ट होने लगता है तो खुद को एक्सपेंड करता है और ये वेन्स भी क्या हो जाती हैं, बस्ट हो जाती हैं। तो कई बार अगर आप देखें विलेजेस में या गाँव में जब बहुत ज़्यादा कड़कती हुई सर्दी होती है तो जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप में वाटर यानी कि पानी लगाते हैं। उसका रीज़न यही है कि वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है और उसकी वजह से वो बहुत सारी हीट एनर्जी अपने अंदर जमा करके रखता भी है और रिलीज़ भी करता है। तो ये वेन्स, ये वाटर जो इनके अंदर होता है प्लांट्स के अंदर, वो इतनी जल्दी जमना स्टार्ट नहीं होता और फसल जो है वो ख़राब नहीं होती। चलिए, तो हमने जाना एनोमलस एक्सपेंशन क्या है। ये एक पिक्यूलियर बिहेवियर है जो वाटर हमें शो करता है। और वो पिक्यूलियर बिहेवियर क्या है, 4 डिग्री तक तो आते आते 4 डिग्री के बाद जब वो जीरो तक जाता है, टेम्परेचर गिरता है, तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह एक्सपेंशन होने लगता है। और एक्सपेंशन होने की वजह से कुछ फ़ायदे भी हमने देखे कि नेचर में जो एक्यूटिक लाइफ है वो सीवियर कोल्ड होने पर बर्फ़ ऊपर से जमना स्टार्ट होती है और एक्यूटिक लाइफ आराम से उस बर्फ़ के नीचे रह पाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।